हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे एलटी फूड्स लिमिटेड के बारे में। पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे कैसा कंपनी है, उसके बाद टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। उससे पहले एक न्यूज आप लोगों के साथ, मतलब एक चीज आप लोगों का शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग अगर खबर देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अभी काल रात से कलकत्ता में भारी बारिश चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपके स्क्रीन पे देखिए, मेरे घर का ये एक फोटो है जहां पे आधा घर अभी पूरा पानी भर चुका है आधा घर के अंदर। और मैं क्या किया, एक लकड़ी का एक टूल टाइप का है उसके ऊपर पैर रख के अभी ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे अभी टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, फिस्ट एलटी जो फूड्स लिमिटेड कंपनी है, आज क्लोज किया है 70.05 में। इसका आज का हाई था 71.65, लो था 67.15, 52 वीक्स हाई है 90.50 एंड 52 वीक लो है 47.30। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 रेटिंग दिया हुआ है। इसका टोटल मार्केट कैपिटल है 2240.51 करोड़। पी रेशियो देखिए 19.75 है, बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, 15 होता तो ठीक है, थोड़ा सा हाई वैल्यू है लेकिन बहुत ज्यादा हाई वैल्यू नहीं है। अभी देखिए, इसका कैश, कंपनी के पास कैश है आपका 4.185 करोड़, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मार्केट कैपिटल के हिसाब से ठीक ही है। और कंपनी के ऊपर डेट थे 565.80 करोड़। मार्केट कैपिटल के हिसाब से डेट जो है वो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जब आगे जाके हम लोग आपको डेट इक्विटी रेशियो दिखाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डेट बहुत ज्यादा नहीं है। और प्रोमोटर्स का देखिए, होल्डिंग है आपका 56.81, अर्निंग पार्ट शेयर है 3.55। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि प्रोमोटर का जो 56.81 होल्डिंग है इसमें कुछ शेयर प्लेज है कि नहीं है। अभी देखिए, सेल्स ग्रोथ ज्यादा नहीं है क्योंकि एक फूड कंपनी है, सेल को ज्यादा नहीं हुआ है, लॉकडाउन की वजह से उतना बिजनेस भी नहीं हुआ है। 7.18 आरओई है आपका, 9.94 आरओसीई है आपका, 11.74% और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए सेल्स ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ है, 56.30%। अभी देखिए, सेल्स ग्रोथ आपको लग रहा था कि ज्यादा नहीं है लेकिन 5 साल के या 3 साल के मुकाबले लेकिन सेल्स ग्रोथ अच्छा हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए आपका, 5 साल का था 22.67%, 3 साल का था 41.75% और अभी बढ़ के हुआ 56.3%। आपका आरओई भी देखिए, पहले 5 साल का है 8.48, 3 साल का है 8.01%, अभी बढ़ के हुआ 9.94%। आरओसीई भी देखिए, 5 साल का है 11.31%, 3 साल का है 10.9% और आपका करंट ईयर का है 11.74%। मतलब पिछले साल से अभी बढ़ा ही है। और डेप्थ इक्विटी रेशियो देखिए, अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग बुरा मानते हैं, लेकिन यह अगर देखिए 1 से कम है, 0.65 है डेप्थ इक्विटी रेशियो। और कैश फ्लो आज कल प्रॉफिट देखिए कितना अच्छा है, 2.75 है। अगर 1 होता है तो हम लोग अच्छा मानता है, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, यहाँ पे 2.75 जो बहुत ही बढ़िया है। अभी देखिए, आपके स्क्रीन के सामने देखिए, इसका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 56.81%, आपका दिसंबर 2020 में इसमें थोड़ा एकदम कम लेकिन थोड़ा प्लेस था, लेकिन अभी कुछ भी प्लेज नहीं है। मतलब कंपनी क्या कर रहा है, डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है। ओके, अभी देखिए, नेट सेल्स आपका पिछले साल था 548.545 करोड़, अभी वो बढ़ के हुआ है 593.52 करोड़। आपका प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट आपका टैक्स पिछले साल था 22.23 करोड़, अभी वो बढ़ के हुआ है 33.38 करोड़। अब ये जो डीलर्स बताया, सॉरी गलती से मतलब ईयरली बता दिया, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर डीलर्स है। ठीक है, ईयर डीलर्स अभी आपको बताने वाला है, ईयरली डीलर्स भी देख लेंगे। देखिए, पिछले साल नेट सेल्स था आपका 2192 करोड़, अभी ये बढ़ के हुआ है 2350 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखिए आपका पिछले साल था 54.49 करोड़, अभी ये बढ़ के हुआ है 85 करोड़, जो बहुत ही अच्छा है। अभी देखिए, रिजर्व देखिए, इसका पिछले साल था आपका 809 करोड़, अभी ये बढ़ के हुआ 839 करोड़। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी देखिए अभी है 726 करोड़, अभी थोड़ा सा क्या करंट एसेट भी देख लेंगे। करंट एसेट है आपका 1218 करोड़, डबल तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, 5 करोड़ से 7 करोड़ ज्यादा है, तो एक बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मेरे हिसाब से सही है। अभी देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका पिछले साल था 193 करोड़, अभी ये बढ़ के हुआ 202 करोड़, मतलब इसमें भी आपको अच्छा ही डेटा मिल रहा है। इसीलिए देखिए, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इसलिए फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 रेटिंग दिया है।
और एक चीज देखिए, सुपर इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सेल का इस शेयर में आपका इन्वेस्टमेंट है 38.53 करोड़, जो बहुत ही एक बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ भी डिसीजन लेने से पहले पहले इसका एक बार टेक्निकली कैसा है वो देख लेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। तो आगे सीधे चले जाएंगे हम लोग अभी चार्ट पे। अभी देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे अभी एक चार्ट खुल गया है, ये इसका डे चार्ट है, ठीक है, बिना इंडिकेटर लगा हुआ, क्योंकि बिना इंडिकेटर से चार्ट का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है वो अच्छी तरीके से समझ में आता है। यहाँ पे देखिए एक आपका सपोर्ट लेवल था, वो सपोर्ट लेवल क्रॉस कर नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा बहुत अच्छा कैंडल बनाया है, फिर देखिए रेड वाला जो कैंडल लगे, अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कुछ पता होगा तो डेफिनेटली पता होगा, एक आपका हैमर टाइप का जो कैंडल बोलते हैं ऐसा एक कैंडल बनाया। उसके बाद जो अगला कैंडल बनाया वो पॉजिटिव कैंडल है, पिछले कैंडल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर ही क्लोज किया और एक आपका पॉजिटिव कैंडल बनाया जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा वीकली चार्ट भी देख लेंगे। वीकली चार्ट देखिए, एक मिनट, वीकली चार्ट में देखिए कि यहां से बढ़ना चालू हुआ, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर बढ़ा, फिर यहां से गिरा, लेकिन यहां पे देखिए एक न्यूट्रल कैंडल बनाया। न्यूट्रल कैंडल बनाने के बाद दो वीक से ये शेयर अप ट्रेंड दिखा रहा है और मुझे जो लगता है कि ये शेयर बहुत जल्दी आपका ये 90 का जो लेवल है 90 का लेवल क्रॉस कर देगा। अभी क्या करेंगे, इसका आपका थोड़ा सा मंथली चार्ट भी देख लेंगे। मंथली चार्ट में देखिए यहाँ पे पूरा गिरा था, उसके बाद से अभी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे देखिए एक आपका गिरावट आया लेकिन फिर से ये अपट्रेंड हुआ है। जब टेक्निकली चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या अच्छा चीज है। अभी क्या करते हैं हम लोग सीधे टेक्निकल में चले जाते हैं। देखिए टेक्निकली आप लोगों का स्क्रीन पर एक चार्ट खुला हुआ है, पहले इसको डे चार्ट में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए डे चार्ट में आप लोगों को क्लियर दिख पा रहा है कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड में बाय बोला है, उसके बाद एक एक सपोर्ट लेवल था वो क्रॉस मतलब वो तोड़ के नीचे चला गया लेकिन फिर से अभी ऊपर जा रहा है शेयर। और आरएसआई भी देखिए 60 के लेवल के करीब है और एमएसडी भी इसको बाय बोल रहा है। उस हिसाब से अगर डे चार्ट में देखेंगे तो टेक्निकली स्ट्रांगली हम लोगों को दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली चार्ट में देखिए यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड में बाय बोला था, फिर यहाँ पे सेल बोला था, ठीक है। लेकिन सेल बोलने के बाद देखिए ये जो जगह है यहाँ तक नीचे तक आया, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक पिवोट पॉइंट लगा के रखा है तो एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पाया, अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसआई भी देखिए लगभग 60 के करीब है लेकिन 60 अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन आरएसआई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप एमएसडी भी देखेंगे तो एमएसडी नीचे है लेकिन ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर एक बार इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, देखिए मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो आरएसआई अबव 60 है, एमएसडी ऊपर ही है, क्लियर बाय सिग्नल है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड में बाय बोला था, उसके बाद इस जगह पे सुपर ट्रेंड में पिछले महीने आपका सेल बोला था, लेकिन जिस कैंडल में सेल बोला था वो कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने पिवट पॉइंट लगा के रखा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पाया, यहाँ से कैंडल फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे जो लगता है कि ये शेयर बहुत जल्दी आपका 90 का लेवल क्रॉस कर लेगा। मेरे हिसाब से 90 के लेवल के लिए आप लोग बने रहिए, आप लोगों को 3 से 6 महीने के अंदर मुझे लगता है 90 का लेवल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे मैं जितना वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक क्या करता है मुझे एनर्जी देता है आगे जाके वीडियो अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।